यो व्हाट इज अप गाइस। तो यार आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनिक्स वर्सेस डार्क मैटर के बारे में। इसकी मदद से आप अपने किसी भी लो एंड डिवाइस के अंदर खेल सकते हैं पबजी मोबाइल को। बहुत ही स्मूथ एचडी सेटिंग्स पर 60 FPS पर आप खेल सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है और बहुत ही कम रैम है, जैसे 2 GB रैम है, तो उसके अंदर भी आप खेल सकते हैं पबजी मोबाइल को हाई सेटिंग्स पर। अगर आपके लैपटॉप के अंदर 2 GB रैम है तो आप गेम लूप की मदद से उसमें स्मूथ गेम प्ले नहीं खेल सकते। इस वीडियो में जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसकी मदद से आप बड़े आराम से खेल सकते हैं। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पिछली भी एक वीडियो बनाई थी, इसके अंदर मैंने आपको खाली फिनिक्स वॉइस के बारे में बताया था। तो बहुत सारे लोगों को उसके अंदर एरर्स आ रहे थे, जैसे वाईफाई वर्क नहीं कर रहा था या फिर उनके पबजी ग्राफिक्स रेंडर नहीं कर पा रहा था, तो उनके लिए ये वाली वीडियो है। मैंने पिछली वीडियो में ये वाला मेथड इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके अंदर आपको इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, तो मैं सोचा इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देता हूँ। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को फिनिक्स वर्सेस डार्क मैटर मॉड के बारे में बताने वाला हूँ कि इसको आप कैसे अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर पबजी को इंस्टॉल करके आप खेल सकते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस है आपको फिनिक्स वॉइस से भी डबल देखने को मिल जाएगी, डबल से भी ज़्यादा। तो गाइस इसका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है पबजी के अंदर, तो आपको यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके पीसी में कैसा वर्क करता है। तो गाइस बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार अगर आपके पास भी एक लो एंड लैपटॉप या फिर पीसी है और उसके अंदर आप गेम लूप के अंदर खेलते थे अपने पबजी मोबाइल को, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस देखने को मिलती होगी। आपको लो सेटिंग्स पर गेम खेलना पड़ता होगा और उसके अंदर आपको फ्रेम रेट भी ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता होगा। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में फिनिक्स ओएस के बारे में बताया था ताकि आप उसकी मदद से खेल सकें अपने लो एंड पीसी के अंदर हाई फ्रेम रेट पे। पर ये जो फिनिक्स ओएस डार्क मैटर मोड है ये सिर्फ बनाई पबजी खेलने के लिए है, तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी फिनिक्स ओएस से भी ज़्यादा अच्छी। तो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस फिनिक्स वॉइस डार्क मैटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगी पबजी मोबाइल की APK और डाटा फाइल, जो कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से भी शेयर कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इंटरनेट से भी इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम बाद में फिर अपने डार्क मैटर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। डार्क मैटर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर। वहाँ पर जाकर आपको टाइप करना है फिनिक्स वॉइस डार्क मैटर और आपके सामने सबसे ऊपर एक सुप्रीम गेमर्स की वेबसाइट आएगी। वहाँ पर जाकर आपको इस वेबसाइट के अंदर लॉग इन कर लेना है या फिर साइनअप कर लेना है, तब आपके सामने डाउनलोड की लिंक आ जाएगी और आपके सामने ये वाली फाइल आ जाएगी। 900 MB की ये वाली फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको EXT4 को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ऑटो इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ओके पे करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल होने देना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पैच का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पैच वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है अपने कंप्यूटर की C ड्राइव के अंदर, वहाँ पर जाकर आपको सिलेक्ट कर लेना है Patch Me 1 को। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से पैच पे क्लिक करके Patch Me 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको ओके करके जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर लाइसेंस जनरेट हो चुका है, अब आपको यहाँ पर ओके करके इस विंडो को क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पार्टीशन टूल पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जो कि अपने आप अभी इंस्टॉल हुआ था, इसका नाम है डिस्कजीनियस। इसकी मदद से आपको एक पार्टीशन बनाना है अपनी ड्राइव के अंदर। किसी भी ड्राइव के अंदर आप एक पार्टीशन बना सकते हैं और आपकी ड्राइव का डाटा भी बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, उसमें तो कुछ भी फाइल डिलीट नहीं होगी। तो गाइस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले करेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेव ऑल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बाद आपको यस कर देना है। यहाँ पर आपको सारे चेंजेस सेव हो गए होंगे। अब आपको जिस भी ड्राइव का पार्टीशन करना है उस वाले ड्राइव को आपको सिलेक्ट करना है। उसके ऊपर आपको फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिसाइज पार्टीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी ड्राइव को यहाँ पर स्लाइड करके आपको जितना भी अपना इंटरनल स्टोरेज देना है अपने डार्क मैटर को उतना आप दे सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 16 GB दें कम से कम, ताकि आपका पबजी उसके अंदर आराम से इंस्टॉल हो जाए। उसके बाद आपको ओके करके यस कर देना है और यहाँ पर ये आपका एक पार्टीशन बना देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नया पार्टीशन यहाँ पर बन चुका है, तो आपको इस वाले पार्टीशन को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपको फिर राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट न्यू पार्टीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको EXT4 को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका ये वाला पार्टीशन EXT4 में फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव ऑल पर क्लिक करके यस कर देना है और यहाँ पर आपको यस पे क्लिक कर देना है।
अभी वाला आपका पार्टीशन का चेंजेस सेव हो गए होंगे। अब आपको इस वाले सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और आपको कुछ भी सेटिंग्स यहाँ पर चेंज नहीं करनी है। उसके बाद आपने जो भी नया ड्राइव का पार्टीशन बनाया है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ग्रब टू विन की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल होने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा डार्क मैटर यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको आपको इंस्टॉल होने देना है, इसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पर फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर नए सॉफ्टवेयर्स आ जाएंगे जो इसने अपने आप इंस्टॉल करें हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रब टू विन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको ग्रीन ही दिखना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ग्रीन नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी इंस्टॉलेशन में कोई एरर आया है, उसको आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन को फुल कर देना है। ये हमारा बूट लोडर है ग्रब टू विन, और यहाँ पर जाकर आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके आप कलर्स वगैरह आइकॉन्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड और टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं ताकि आप जब भी बूट करें तो आपको जैसा भी इंटरफेस चाहिए हो आप वैसा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब हमारा डार्क मैटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको डायरेक्टली बूट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ और अब मैं आपको डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ इसको बूट करके। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब आपको यहाँ पर बूट डार्क मैटर पर क्लिक करना है और आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है और आपका पीसी जो है रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इसको रीबूट होने देना है। जैसे ही आपका पीसी रीस्टार्ट होगा आपके सामने ग्रब टू विन का बूट लोडर ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको नीचे फीनिक्स ओएस को सिलेक्ट कर लेना है और आपको बूट विद प्राइमरी कर्नल पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका डार्क मैटर अपने आप ही बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी की प्रेस नहीं करनी है और यहाँ पर आपको सिस्टम सेटअप होगा। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको इसको पूरी तरीके से सेटअप कर लेना है और आपके सामने आपका डार्क मैटर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं आपके सामने ऐसी कुछ स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर आपको मेनू पर क्लिक करके गियर लॉक पर क्लिक करना है। गियर लॉक में आने के बाद आपको यहाँ पर वन प्रेस करना है ताकि आपका सिस्टम जो है सुपर चार्ज हो जाए। उसके बाद आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम यहाँ पर रीस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको जाना है अपने कीवी ब्राउज़र के अंदर और वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है सुप्रीम गेमर्स। तो आपके सामने सुप्रीम गेमर्स की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आपको रिसोर्सेज में जाना है और यहाँ पर जाकर आपको मीजा ड्राइवर्स को डाउनलोड कर लेना है। तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिख जाएगा मीजा ड्राइवर 20, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको डाउनलोड करने के लिए फिर से इनकी वेबसाइट के अंदर या तो लॉगिन करना पड़ेगा या साइनअप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। तो अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर मीजा ड्राइवर 20 को डाउनलोड कर लेना है, जो भी लेटेस्ट हो आपके टाइम पर आपको यहाँ पर उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मीजा ड्राइवर 20 को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वैसे जैसा कि देख सकते हैं हमारा डाउनलोड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। गाइस इसको डाउनलोड करने के बाद आपको मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एफएक्स फाइल मैनेजर को ओपन करके उसको सेटअप कर लेना है, यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है मेन स्टोरेज के अंदर, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेन स्टोरेज। यहाँ पर आपको डाउनलोड में जाना है और आपने जो मीजा ड्राइवर डाउनलोड करा था इसको आपको होल्ड करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको बैक जाना है होम पेज पर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिस्टम रूट, इस पर आपको क्लिक करके गियर लॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन गियर लोड का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने मीजा ड्राइवर्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको जाना है अपने गियर लॉक एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ पर जाकर आपको 5 प्रेस करना है पैकेज इंस्टॉलर को। यहाँ पर आपको मीजा ड्राइवर दिख जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 प्रेस करके एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपके मीजा ड्राइवर की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको स्टार्ट होने के बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट होने देना है, या अपने आप ही रीबूट होएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रीबूट स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पीसी रीबूट हो चुका है। रीबूट होने के बाद आप अगर सेटिंग्स में जाकर दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मीजा ड्राइवर्स हमारे यहाँ पर ग्राफिक्स ड्राइवर में आ चुके हैं। तो गाइस हमारे ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ सेटअप हो चुका है, हमारा कंप्यूटर पूरी तरीके से रेडी हो चुका है पबजी को चलाने के लिए। तो अब आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर के अंदर और आपको वहाँ पर जाकर अपने सी ड्राइव को लोकेट करके यूज़र वाले फोल्डर में जाना है। डेस्कटॉप पर जाना है आपको, जहाँ पर आपने अपने पबजी वाले फोल्डर को पेस्ट करा था, और यहाँ पर जाकर आपको अपनी पबजी की फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर आपको जो टेंसेंट वाला डाटा है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर आपको जाना है मेन स्टोरेज के अंदर, यहाँ पर हमारा पबजी इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जाना है मेन स्टोरेज के अंदर,
यहाँ पर आपको जाना है एंड्रॉइड के अंदर, यहाँ पर आपको क्रिएट करना है एक न्यू फोल्डर जिसका आपको नाम देना है ओबीबी। तो उसको ओबीबी को क्रिएट करने के बाद आपको इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपको वो वाला फोल्डर पेस्ट कर देना है जो हमने वहाँ पर कॉपी करा था। तो ये पबजी की जो फाइल है आप अपने मोबाइल से भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर फाइल सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है, तो आपको इसको क्लोज कर देना है फाइल मैनेजर को। अब आप मीनू में जाके देखेंगे तो आपको पबजी देखने को मिल जाएगा। इसको आप डेस्कटॉप पर ला सकते हैं। इसको डेस्कटॉप पर लाने के बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गेम ओपन हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर के अंदर फीनिक्स और डार्क मैटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आप इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके चला के देखें। अगर आपको इसमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।